সুগার হচ্ছে নেশার মতো, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি আরেকটু যদি খেতে পারতাম। পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে তাকেই প্রোডাক্ট করে ফেলছে, হরলিক্স খেয়ে তারা বাচ্চা জন্ম দেয়নি। স্বাগতম সবাইকে বিচ রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা সুগারের সাগরে ভাসবো এরকম একটা ভিডিও দেখব। সুগারের সাগর তুমি কোথায় পেলে? এটা ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হাউ দ্য সুগার মাফিয়া ইজ কিলিং ইন্ডিয়া। বুঝতে পারছো? সুগার মাফিয়া, তা আমি কি চিনি নেই কোনো মাফিয়া চলছে এরকম ব্যাপারে? তো যাই হোক, এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল সোচ বাই মোহাক মঙ্গল। তো ওনাদের অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন এই ভিডিওটির মধ্যে কি আছে দেখে আসি। ও, এই অ্যাডটা আমরা সুপারমার্কেটে দেখেছিলাম। अगर आपकी फैमिली एक टिपिकल इंडियन फैमिली है फूड हैबिट्स के बारे में, तो आपको पता है कि शुगर कितना इम्पॉर्टेंट है इन फैमिलीज के लिए। मोस्ट इंडियन फैमिलीज के लिए शुगर एक नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे के एग्ज़ाम के पहले हो, फेस्टिवल्स के दौरान, या फिर जब गेस्ट घर में आते हैं। अब चाहे चीनी अपने साथ बहुत सारी गुडनेस या फिर हैप्पीनेस लाती है, और ये वही वर्ड्स हैं जो आपको मार्केटिंग कैंपेन्स में सुनने को मिलते हैं, पर इसके साथ लोगों को एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे तपस्या मुंडा जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने कहा था कि शुगर बेसिकली इज पॉइजन, इज द न्यू स्मोकिंग। अब ये सुनकर शायद आप में से कुछ लोग बहुत सरप्राइज्ड होंगे, पर इस ग्राफ को देखिए, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स जो डायबिटीज की वजह से हुई है इंडिया में, वो बहुत तेजी से बढ़ी है 1990 से 2015 तक। इनफैक्ट रीसेंट सालों में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बुलाया है, और इसके पीछे एक मेजर रीजन है कि डायबिटीज कई लोग हद से ज्यादा शुगर या फिर चीनी कंज्यूम करते हैं। एक रिसर्च ने दिखा कि एक एवरेज इंडियन हर दिन ऑलमोस्ट 50 ग्राम की चीनी खाता है, असला हम लोग खाते हैं 10 चम्मच चीनी, जबकि WHO ने रेकमेंड किया है कि हर दिन एक व्यक्ति को करीब 25 ग्राम की चीनी खानी चाहिए। अब इंडिया डायबिटीज कैपिटल रातों रात नहीं बना, कई सालों से इंडिया इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, और इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है कंपनीज, पॉलिटिशियंस और इंडियन कंज्यूमर। अब सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि शुगर होता क्या है। वाइट शुगर के अलावा जो हमारे घरों के किचन में होता है, इंडिया में कई और वैरायटी है स्वीटनर्स के लिए, जैसे जागरी या फिर गुड़ और खांड। गुड़, अब ये तीनों चीजें बनती तो शुगर के जूस से, पर इनके बीच में मेजर डिफरेंस है कि इनको कितना प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि शुगर रिफाइनरी प्रोसेसिंग मेथड से बनाया जाता है, इसी वजह से उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और इसीलिए और सारे स्वीटनर्स के कंपैरिजन में शुगर सबसे अनहेल्दी होता है, क्योंकि गुड़ और खांड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ज्यादा गुड़ या फिर खांड दिखेगा नहीं, आपको मोस्टली व्हाइट शुगर ही दिखेगा। पर ये हुआ कैसे? अब इस चीज को समझ के लिए हमें करीब 400 साल अपने इतिहास में जाना है। अब इंडियंस के लिए शुगर या फिर चीनी एक खुशी और सेलिब्रेशन का सिंबल रहा है, पर एक्चुअली शुगर की हिस्ट्री में आपको बहुत कड़वाहट मिलेगी। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 17th century में, जब यूरोपियंस ने मोस्टली पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया था। अब तब के ज़माने में यूरोपियंस मोस्टली शहद पर रिलाय करते थे, पर शहद की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड थी, और यूरोपियंस ने ये डिस्कवर किया कि कुछ कंट्रीज हैं ऐसी दुनिया में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, जो परफेक्ट है शुगर केन उगाने के। ये देश थे कैरेबियन आइलैंड्स, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, शुगर केन या फिर गन्ना उगाने के लिए आपको बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, पर इन देशों में लोकल मैन पावर मिलना इतना आसान नहीं था। तो यूरोपियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? स्लेवरी ट्रेड के जरिए। यूरोपियंस कई अफ्रीकन स्लेव्स को इन देशों में लेकर आए। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी कई गरीब इंडियंस को फोर्सफुली कॉलोनाइज टेरिटरीज में भेजा। अगर सिंपल शब्द में बोलूं तो यूरोप में इतना सारा शुगर इतना चीपली इसलिए अवेलेबल था क्योंकि कई स्लेव्स शुगर केन प्लांटेशन में फोर्सफुली काम कर रहे थे। अब इंडिया की बात करते हैं। रिसर्च के हिसाब से शुगर केन कल्टिवेशन और शुगर की प्रेपरेशन ऐतिहासिक इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट अर्थवेदा में पाई जा सकती है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में शुगर सबसे पहले इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। ट्रेडिशनली इंडियंस गुड़ या फिर खांड यूज़ करते थे मिठास लाने के लिए किसी भी चीज़ में, पर जैसे ब्रिटिशर्स ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी रिफाइंड वाइट शुगर की, ये शुगर फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया 19th century के एंड में। और यही शुगर अब बिस्किट्स, मिठाई और चॉकलेट्स में पाया जाता है,
जो हमें दुकानों में मिलती है। पर इंडिया की जो मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री है वो 1930 में ही स्टार्ट हुई थी, जब सरकार ने टैरिफ प्रोटेक्शन दी थी इस इंडस्ट्री को। इसकी वजह से शुगर मिल्स की संख्या और शुगर प्रोडक्शन दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट 1930 और 1935 के बीच प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 460% इंडियन सरकार ने एक और लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 1954 में, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री को और प्रमोशन मिल गई। आज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राजील के बाद, और जहां इंडस्ट्रीज के दौरान शुगर केन प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा गुड़ और खांड बनाने के लिए यूज होता था, अब वो बस 1/3 हिस्सा ही होता है। अब मेजॉरिटी पोर्शन ठीक है, गुड़ किंतु कम शुगर बनाने के लिए यूज होता है। और ऐसा क्यों है ये भी बहुत आसान है समझना, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से शुगर की कॉस्ट भी कम है और लोग भी अब शुगर की ही डिमांड कर रहे हैं। अब ये वाइट शुगर की वजह से इंडिया में कई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही क्यों। अब हेल्थ की बात करें तो वाइट शुगर 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पहला है कि चीनी में एम्प्टी कैलोरीज होती है। इसका बेसिकली मतलब है कि कैलोरीज तो वो आपको देता है यानी कि एनर्जी देता है, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं, जबकि गुड़ या फिर खांड में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वाइट शुगर की वजह से लोगों को चीनी के बारे में, शुगर के बारे में और क्रेविंग हो जाती है। शुगर खाने से हमारे अब डोपामाइन ऐसा केमिकल है जो प्लेजर की फीलिंग से एसोसिएटेड है, तो शुगर की वजह से डोपामाइन रिलीज होता है और डोपामाइन हमें प्लेजर देता है, जिसकी वजह से हम और शुगर खाना चाहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। और ये डोपामाइन केमिकल बस शुगर खाने के बाद ही रिलीज नहीं होता, जैसे स्मोकिंग के बाद भी रिलीज होता है, इसी वजह से लोगों के लिए सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है कि वाइट शुगर और डायबिटीज़ का एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप शुगर खाओगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि डायबिटीज़ की वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। कई स्टडीज़ ने दिखाया है कि वो लोग जो रेगुलरली ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें बहुत शुगर होता है, उनका टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क 25% से ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो रिस्क वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में टिपिकली शुगर का अमाउंट कम होता है, और जो शुगर होता भी है वो नेचुरल शुगर होता है, वो इतना हानिकारक नहीं है। जैसे 100 ग्राम संतरों में 9 ग्राम शुगर होता है, जबकि 100 ग्राम किटकैट में 12 से 15 महीनों के दौरान, और जितना पानी ये शुगर केन में जाता है वो 1000 लोगों की वाटर डिमांड को फुलफिल कर सकता है। और शुगर केन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडिया की जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो रही है। जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट करीब 2500 mm है, जबकि रेनफॉल इस रीजन में बस 500 से 700 mm है, जिसकी वजह से कई फार्मर्स बस ग्राउंड वाटर पर ही रिलाय करते हैं शुगर केन उगाने के लिए। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो गया इस रीजन में कि कुछ पानी बचा ही नहीं है पंप करने के लिए। अब महाराष्ट्र में ड्राउट या फिर सूखा बहुत कॉमन है, पर फार्मर्स के लिए जरूरी नहीं है शुगर केन उगाने, वो दाल या फिर जोवर भी उगा सकते हैं, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट गर्म दिन के लिए थके ना पानी रिटर्न जी रीजनल नीति आयोग रिपोर्ट ने बताया कि शुगर केन कल्टीवेशन की रिटर्न्स 60-70% ज्यादा है दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन से। जैसे उत्तर प्रदेश के एक फार्मर शुगर केन की हाई रिटर्न्स के बारे में बताते हैं कि ऐसी रिटर्न्स उनको कोई और क्रॉप से मिलेगी ही नहीं। बासमती चावल या फिर आलू की बात करें तो उधर दाम का पता नहीं होता, जबकि उनके एरिया में सरकार गेहूँ प्रोक्योर नहीं करती। और जैसे हमने पहले कहा था कि वाइट शुगर के साथ साथ कई नई प्रॉब्लम्स भी आई, और ये प्रॉब्लम्स आई कैसे, एक नेक्सस की वजह से, पॉलिटिशियंस, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच। इंडिया में वाइट शुगर की पॉपुलैरिटी के पीछे 3 कारण हैं, और पहला कारण है इंडिया की पैकेज फूड्स इंडस्ट्री। रुजिता दिवाकर जो एक पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कहती है कि घर के खाने के जरिए जो शुगर कंजम्पशन है इंडिया में वो इतना ज़्यादा नहीं है। एक चम्मच चीनी चाहे वो चाय में हो या फिर हफ्ते में एक बार मिठाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है जब लोग पैकेज फूड कंज्यूम करने लग जाते हैं, जहां हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि इन चीज़ों में कितना शुगर है। फ्रूट जूसेस, योगर्ट्स और फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स जिनकी मार्केटिंग करी जाती है कि वो हेल्दी हैं, पर एक्चुअली वो शुगर से भरे हुए होते हैं। जैसे हेल्दी ड्रिंक्स बॉर्नविटा और कॉम्प्लान की बात करते हैं। हॉर्लिक्स क्लेम करता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो किड्स को ज़्यादा लंबा, स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाता है, और कॉम्प्लान क्लेम करता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो बच्चों में ग्रोथ डबल कर सकते हैं।
बेसिकली उनके आर्ट से हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं बच्चों के, पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये ड्रिंक्स हेल्दी टैग अपना डिजर्व नहीं करती है। जैसे बॉर्नविटा के 20 ग्राम में ऑलमोस्ट 14 ग्राम तो शुगर ही है। हाँ। अब आप ही बताइए कैसे हेल्दी हो सकता है। पर ये जो मिथ क्रिएट हुई है कि ये सारी ड्रिंक्स हेल्दी है, उसके पीछे एक मेजर कारण है मार्केटिंग। महेश बालासेकर जो मुंबई में एक पीडियाट्रिशियन है, वो कहते हैं कि इन मार्केटिंग कैंपेन्स की जड़ है कि इंडिया की जो शुगर लॉबी है उनके पास बहुत पावर है और वो डिसाइड कर सकती हैं कि गवर्नमेंट उनको कैसे रेगुलेट करे। इस बात को समझने के लिए बच्चों के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट पर नजर डालें। हार और जीत का फर्क है ये सच। विटामिन, आयोडीन, तकरीबन आधे बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है। हॉलिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी की सलाह है हॉलिक्स। रेबेका राज जो प्रोफेसर है सेंट जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिवीजन ऑफ न्यूट्रिशन में, वो कहते हैं कि कंपनीज ने कई अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करी हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करना, कार्टून कैरेक्टर्स को यूज़ करना, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में कैची स्लोगन्स डालना और अपने प्रोडक्ट्स के साथ फ्री गिफ्ट्स भी देना, और ये सारी ही स्ट्रैटेजीज बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। और रेबेका राज कहती हैं कि ये स्ट्रैटेजीज बच्चे और उनके परिवारों के भी परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। शो कर रहा है क्या इंडिया में एडवर्टाइजमेंट की तो अनेक टाइम जो ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट्स अपने आप को हेल्दी बुला सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में और कौन से नहीं। नहीं, ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं। और इस चीज़ के पीछे एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है कि इंडिया के शुगर मिल्स के पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है। जैसे 2018 में स्मृति ईरानी जो तब की INB मिनिस्टर थी, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि गवर्नमेंट के कोई भी प्लान्स नहीं है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करने के लिए जिनमें हाई फैट हो, शुगर हो और सॉल्ट हो। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री बॉडीज जैसे फूड एंड बेवरेज अलायंस ने खुद डिसाइड किया है कि वो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट नहीं डालेंगे जो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। तो बेसिकली वो खुद को रेगुलेट करेंगे, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको कुछ नहीं बोलेगी। पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का टाइम इस इंडस्ट्री के लिए ख़त्म हो गया है और गवर्नमेंट को और ठोस कदम उठाने होंगे। और जैसे हमने पहले बात करी कि ये इंडस्ट्री रेगुलेशन के बाहर कैसे रहती है, पॉलिटिकल पावर की वजह से। जैसे कर्नाटका में बेलगावी की बात करते हैं, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबागुडा पाटिल कहते हैं कि शुगर सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज इंडस्ट्रीज में से एक है इंडिया में। सारी फैक्ट्रीज के मालिक पॉलिटिशियंस होते हैं और हर पॉलिटिशियन मालिक बनने की उम्मीद बनाए रहता है। पर इस पॉलिटिसाइजेशन की वजह से ही शुगर इंडिया में हद से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इतनी डिमांड है नहीं इंडिया में। जैसे इंडिया की शुगर डिमांड करीब 2.5 करोड़ टन है हर साल के लिए, पर पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से प्रोडक्शन 3.5 करोड़ टन से भी ज़्यादा है। पर इस ओवर सप्लाई के चलते शुगर इंडस्ट्री अपनी सप्लाई को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे शुगर मिल्स ने एक ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है meetha.org इस डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए। अब पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस इंडस्ट्री का तो फायदा हो रहा है, पर जो किसान है उनको भुगतना ही पड़ रहा है। जैसे करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र में 180 ऐसी शुगर फैक्ट्रीज थी जो शुगर के इन फार्मर्स को पेमेंट्स नहीं दे पाए, और इनमें से ऑलमोस्ट सभी किसी ना किसी पॉलिटिशियन से लिंक थी। और शायद पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शुगर के इन फार्मर्स के ड्यूज 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये नंबर डेली बढ़ ही रहा है। तीसरा कारण जिसकी वजह से इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है शुगर का, वो है कि क्योंकि इतनी सप्लाई बढ़ गई है उसकी वजह से जो शुगर के दाम है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि लास्ट 7 सालों के दौरान शुगर प्राइसेस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, और इन सोल्यूशंस को टैकल करने के लिए सरकार, हमें और इंडस्ट्री को रोल निभाना। सरकार को फूड और ड्रिंक्स की मार्केटिंग रेगुलेट करनी ही होगी। वॉलंटरी रेगुलेशन अब लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वॉलंटरी रेगुलेशन की वजह से ही कई शुगरी ड्रिंक्स और स्नैक्स अपने आप को हेल्दी बुला रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ है कि सरकार को किसानों की मदद करनी होगी ताकि वो शुगर केन के अलावा दूसरे क्रॉप्स ग्रो कर सकें, जैसे दाल, जोवर या फिर शुगर बीट जिसको चकुंदर भी कहा जाता है। पर ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर सरकार पॉलिटिकली पावरफुल शुगर मिल्स को अपोज कर सकती है। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उनको बेटर लेबलिंग करनी होगी। अब हमें बताने कि सरकार उनकी मार्केटिंग को रेगुलेट करेगी या नहीं, पर हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम सेल्फ रेगुलेशन में वो ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं करेंगे कि वो हेल्दी है जिनमें इतना सारा शुगर है। हमें पैकेज फूड्स पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। पर जितना हो सके वाइट शुगर को अपनी डाइट से हटाना चाहिए, पर अगर आपको मीठापन चाहिए तो खांड या फिर गुड़ पर निर्भर करें। और लास्ट शायद सबसे मुश्किल चीज़ है,
এখন থেকে তোমাকে কিন্তু কোনো চাতে চিনি দিব না আর মিষ্টি খাওয়া বন্ধ লেবেলস পর জ্যাদা ফোকাস করো আমি গুড় খাবো এখন থেকে দেখ সকে কি উস প্রোডাক্ট মে অ্যাকচুয়ালি কিতনা সুগার হ্যায় তো আগার কনক্লুশন কি বাত করেন ইস ভিডিও কা কনক্লুশন ইয়ে নেই কি হামে সুগার ইয়া ফির চিনি बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हम में से कई लोग मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस मुश्किल कब आ जाती है जब ये क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो जाती है। और अभी हमारी सरकार, शुगर मिल्स, ब्रांड्स और हम सब इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं। আমি আসলে না বুঝতে পারিনি যে এত সুন্দর একটা ভিডিও হবে। হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা এক নরমাল একটা ভিডিও হবে, যে অনেক সুন্দর একটা ভিডিও ছিল, অনেক ইনফরমেশন ছিল এবং আসলে কিন্তু অনেক নিউট্রিশন আসলে মাফিয়া, এটা মাফিয়া বলবো। আর তাছাড়াও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা নিয়ে কিন্তু অনেক ডাক্তার আমাদেরকে কিন্তু সচেতন করা অনেক সময় বা অনেক অনেক জায়গাতেই তুমি যখন চেক আপ করাতে যাও তখন কিন্তু বলে যে হোয়াইট সুগারটা না খাওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা আসলে এতটা ভিতরে ঢুকে কখনো দেখি নাই যে এটার মধ্যে আসলে কী কী ধরনের প্রবলেম হতে পারে বা কী হচ্ছে না হচ্ছে। আর ইন্ডিয়াতে তো দেখলাম যে এটার পরে পুরোটাই রাজনীতিও জড়িত আছে, তারপর হচ্ছে যে মার্কেটিং জড়িত কোম্পানিগুলো, এটা শুধু ইন্ডিয়াতে না বাংলাদেশেও ঘটছে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ঘটছে, কেননা চকলেটের প্রতি কিন্তু সবাই আসক্ত। হ্যাঁ, সবাই আসক্ত। আর আমার কাছে মনে হয় যে এই মার্কেটটা অনেক অনেক বড় একটা মার্কেট এবং এটা আসলে গভর্নমেন্টকে ডমিনেট করে রাখে অনেক সময়, চাইলেও অনেক গভর্নমেন্ট কিন্তু এটার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না খুব সহজেই, কারণ তাদের হাতে অনেক ক্ষমতাই থাকে। হ্যাঁ, আর যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে রিসেন্টলি চিনির দাম বেড়েছে, আমার মনে হয় এটা আরও বাড়া উচিত, তাহলে মানুষজন কিন্তু অটোমেটিকলি চিনি খাওয়া কমিয়ে দেবে। আর আসলে আরেকটা জিনিস কিন্তু উনি বলেছে যে গুড় কিন্তু তৈরি হচ্ছে না, যেটা বললাম যে গুড় আগে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মার্কেটে পাওয়া যেত, এখন কিন্তু ওইভাবে হচ্ছে না এবং গুড়েও এখন কিন্তু অনেক ভেজাল মেশানোর চেষ্টা চলছে, যেমন হোয়াইট সুগারের যে বিষয়টা সেটা মিক্স করে গুড় বানানো হচ্ছে এরকম কিন্তু ভিডিওর একটা অংশ দেখালো। অনেক জায়গায় কালার মিশিয়ে অনেক কিছু করে কিন্তু গুড় তৈরি করা হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রটাও আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্ট দের উচিত যে নজর দেওয়া, যে সাধারণ পাবলিকের আসলে স্বাস্থ্য সচেতনতা করে সচেতন করে তোলা এবং তাদের পক্ষে কিছু কথা বলা আর কি। আমার কাছে মনে হয় কেননা যে সুগার খাওয়ার ফলে প্রত্যেকটা মানুষের যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত, যেটা আসলে সত্য, আমার আশেপাশে আমার বয়সে অনেকেরই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ডায়াবেটিস নিয়ে তারা চলাফেরা করছে এবং আশেপাশে অনেক ডায়াবেটিস রোগী হয় কি ক্রমান্বয়ে, হঠাৎ করে তো আর হচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প করে চিনি গুড় এগুলো খাচ্ছে, রেগুলার খাচ্ছে, যেটা বললো যে প্রতিদিন হচ্ছে 25 গ্রাম আমাদের জন্য এনাফ, কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে 50 গ্রাম তারও বেশি পরিমাণ সুগার কিন্তু প্রতিদিন খেয়ে ফেলছি বিভিন্নভাবে, চকলেট ছাড়া আরও যে সমস্ত প্যাকেজ ফুড আছে সেগুলোর মাধ্যমে। তো এই প্যাকেজ ফুডগুলো থেকে আমাদেরকে সাবধান থেকে আসলে সুগারের যে আমাদের শরীরের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এটা কমাতে হবে। আর সুগার হচ্ছে নেশার মতো, আসলেই তাই, আমি যখন কোনো মিষ্টান্ন খাই তখন কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি আরেকটু যদি খেতে পারতাম তাহলে আরেকটু ভালো হতো, এটা আসলে নেশার মতোই মাথায় কাজ করতে থাকে যে একটা মিষ্টি খেলাম তাহলে ঠিক আছে এখন আরেকটা খেয়ে দেখতে পারি। ঠিক আছে, আমার জন্য না, তো এটা আমার মতো যারা আরো আছে তাদের সবার জন্য, যারা আরো আছে যারা মিষ্টি প্রেমী মানে মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করে তাদের জন্য এটা ঠিক আছে। যেমন যারা স্মোক করে তারা দেখা যাচ্ছে অনেকে কিন্তু চেইন স্মোকার, আবার কেউ কেউ হচ্ছে একটা স্মোক করে কিন্তু শেষ হয়ে যায়, এটা অনেকটা সেরকম। এটা কন্ট্রোলের ব্যাপার হচ্ছে যে কি কিভাবে কন্ট্রোল করছে, কিন্তু একটা সময় হয়তো মানুষ কিন্তু নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারে না, এটা কন্ট্রোল করা অনেক কঠিন, হ্যাঁ তখনই প্রবলেমটা শুরু হয়ে যায়। আর যে হারে আমাদেরকে এগুলার প্রতি আসক্ত করা হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে, এটা শুধু ইন্ডিয়া বলবো না, আমাদের বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশেই কিন্তু এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো খুব পরিমাণ চলে এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মাধ্যমে কিন্তু আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয় যে বাচ্চাদেরকে বড় করে তোলার জন্য এইটা খুবই জরুরি, খুবই জরুরি। এমনকি আমার কাছে ইভেন এখন মনে হয় যে মাদার হরলিক্স যেটা তৈরি করেছে, পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে এবং সেই বাচ্চার জন্যও কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে ফেলছে তারা, যে এই বাচ্চাকে ঠিকঠাক মতো বের করার জন্য তোমাকে হরলিক্স খেতে হবে। তো একটা সময় কিন্তু ছিল যে মানে আমাদের বাবা মার কথাই চিন্তা করো বা তাদের আগে আমাদের দিদা দাদু বা তাদের বয়সের মানুষজন, তারা কিন্তু এইভাবে হরলিক্স খেয়ে তারা বাচ্চা জন্ম দেয়নি। তো আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসটা একটু অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে, একটা বাচ্চা পেটের মধ্যে আছে তাকে আগেই প্রোডাক্ট হিসাবে তৈরি মানে তাকেই প্রোডাক্ট করে ফেলছি আমরা। হ্যাঁ, এটা আসলে সরকারের ভাবা উচিত, সব দেশের সরকারের ভাবা উচিত। আর একটা যেটা হচ্ছে যে সুগার কেন মানে আখ,
আগ যে সমস্ত জমিতে হয় সেই সমস্ত জমির নিচে মাটির নিচে যে পানির স্তর থাকে সেগুলো নাকি নিচে নেমে যায়, এটা আমার জানা ছিল না। এখন ভিডিও দেখে বুঝলাম যে আসলে মহারাষ্ট্রে যেমন পানির স্তর নেমে গেছে, তুমি যেটা বলছিলে যে খুলনা অঞ্চলে নেমে গেছে, ওখানে হয়তো বা আখের চাষ হয়, এরকম যে সমস্ত জায়গায় আমার কাছে, আমরা যখন ছোটবেলায় দেখেছি যে সাতক্ষীরা বা ওই অঞ্চলটা যখন যেতাম তখন দেখেছি যে অনেক এলাকা জুড়ে কিন্তু আখের চাষ হতো। তো এখন অনেক দিন যাওয়া নাই, জানি না ওখানে এখন কি হয়। তবে হ্যাঁ, এটাও সত্য যে আমাদের খুলনা অঞ্চলের পানি অনেক নিচে নেমে গেছে, তো হতে পারে সেটা আগে পানিটা পাওয়া যায় না সঠিকভাবে, এটাই আর কি। তো যেহেতু সুগারকেন চাষ করলে পানির লেয়ারটা নিচে নেমে যায়, সুতরাং গভর্নমেন্টকে আসলে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে যেন অন্য অন্য ক্রপসের প্রতিও কৃষকরা আকৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে আসলে দেশেরও একটা ভালো একটা অবস্থান তৈরি হবে, এবং যে লোকাল এরিয়ায় চাষ হচ্ছে সেই লোকাল এরিয়ার যে জনগণ তারাও কিন্তু অন্য অন্য ক্রপসগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পানির যে সংকট সেটা থেকেও তারা বের হয়ে আসতে পারবে। আর আমার কাছে মনে হয় যে তোমার বিভিন্ন জায়গাতে যে অন্য অন্য ক্রপসগুলো আছে তার প্রতি কিন্তু সরকার কোনো প্রণোদনা দিতে চায় না। যেমন আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু অনেক সবজি হয় না, ওগুলো ঢাকা পর্যন্ত আস্তে আস্তে কিন্তু সবজিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বা কৃষক সেই দূরের কৃষক কিন্তু সেই পরিমাণ পেমেন্ট হ্যাঁ লাভবান হচ্ছে না। তো যেটা দেখা যাচ্ছে যে মধ্যবর্তী যারা থাকে বা ঢাকাতে যখন বিক্রি হচ্ছে সেটা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে, কিন্তু মূল কৃষক যারা তারা কিন্তু লাভবান হচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে তারা চেষ্টা করবে তারা যেটাতে লাভবান হয় সেটা সেটা করার জন্য, সেটা উৎপাদন। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্টের উচিত যে ওই জায়গার লোকজনকে উৎসাহিত করে যেটাতে আমাদের খাদ্য সংকট দূর হয় এরকম কোনো খাবারের দিকে নজর দেওয়া। যাই হোক, ভিডিওটি অনেক সুন্দর ছিল, অনেক ইনফরমেটিভ ছিল, অনেক কিছু শিখতে পারলাম ভিডিও থেকে। আর আজকের এই ভিডিওর উপর আমাদের যে রিয়েকশনটি, এটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।